उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की हुई मौत। बच्चे के जन्म के बाद रात भर दर्द से तड़पती रही प्रसूता महिला। योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों रुपए पाने की तरह बहा रही हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है, जो कि बाराबंकी में साफ देखने को मिल रही है। चंद पैसों के लिए डॉक्टरों ने एक मासूम दूधमुहे बच्चे से उसकी मां छीन ली। रात भर दर्द से तड़पने के बाद आज सुबह महिला ने दम तोड़ा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का घोर आरोप। बाराबंकी से मात्र 30,000 रुपए के लिए सिद्धौर सीएचसी ने डॉक्टर को ने प्रसूता के लिए जान। मामला असंद्रा थाना क्षेत्र के कलापुर गांव का है, जहां कल रात दर्द से तड़पती हुई महिला सिद्धौर सीएचसी पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे 30,000 की मांग के पैसे की मांग पूरी न होने पर प्रसूता महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद रात भर दर्द से तड़पती रही और आज सुबह उसकी मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिला। सीएचसी के बाहर धरना देकर बैठ गए। परिजनों ने डॉक्टर के लिए घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने बताया कि इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो या एनएम, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार चिकित्सा को लेकर के बहुत ही सतर्क नजर आ रही है, आए दिन चिकित्सा को लेकर के नए योजनाएं लागू कर रही है। लेकिन वही अगर बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी के सिद्धौर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहां पर ये पूरी तरीके से नाकामी साबित हो रही है चिकित्सा को लेकर के। यहाँ के अधीक्षक साहब से बात करते हैं। सर, क्या था ये पूरा मामला जो आपने अभी बताया, इसके बारे में क्या है ये? देखिए, जो मरीज़ था, ये जो मैं पता लगा मुझे, तो ये मरीज़ कल दोपहर या शाम तक भी आया था, और इसको कल ये डिलीवरी के लिए आया था, पर इसकी डिलीवरी कल नहीं होनी थी, खून कम था, उसके लिए एनएम ने इनको कहा कि आपका यहाँ नहीं होगा, आपको जिला अस्पताल जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये फुल डायलिटेशन में, ये फुल डायलिटेशन में ये करीबन 3:30 से 3:30 के बीच में आई थी। फिर उसके बाद इसकी वहाँ पे फुल डायलिटेशन में थी, तो मरीज़ की यहाँ डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी होने के बाद जो मैंने सबसे पूछा है, उसमें ये हुआ कि जब इसको दिक्कत हुई तो डॉक्टर यूसुफ खान और एनएम है सरिता, इन लोगों ने पेशेंट को देखा और ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद डॉक्टर यूसुफ का कहना था, क्योंकि मैं आवाज़ पे था तो मुझे बुलाया गया, तो मैं आया था यहाँ पे, तो पता लगा मुझे जब एक्सपायर हुए करीबन 8:45 या 7:30 बजे करीब हुआ ये। इसमें जो है एनएम बता रहे हैं कि जो जिम्मेदारी थी, क्योंकि यहाँ के जो परिजन हैं वो आरोप एनएम पे लगा रहे हैं, लेकिन एनएम का कहना है कि यूसुफ ने की जिम्मेदारी थी इसके बारे में। देखिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। अगर इसमें जांच भी होगी तो जो भी संबंधित व्यक्ति अगर जिम्मेदार होगा इसके लिए, उसके लिए अवश्य तौर पर कार्रवाई होगी, और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब से भी बात होगी इस बारे में। उन्होंने कहा कि आप जाँच करके बताइए, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने देखा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मामले में ये संज्ञान पहुंच चुका है, और उन्होंने कहा है कि आवश्यक कार्रवाई इस पर की जाएगी। संदीप तिवारी, एनटीवी टाइम, बाराबंकी। क्या था पूरा मामला? ये पूरा मामला है, कलापुर गांव की एक महिला जिसकी डिलीवरी होनी थी, कल दिन में 2 बजे घर के लोग लेके आए यहाँ पे। सरिता गौतम को, जो यहाँ स्टाफ नर्स है, उन्होंने देख के इसको वापस कर दिया कि इसकी डिलीवरी अभी नहीं होने वाली है, जब दर्द होगा तब लाइएगा। रात में पुनः फिर 2 बजे जब दर्द बढ़ा तो घर के लोग लेकर यहाँ आए, नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई, लेकिन स्टाफ नर्स डिलीवरी होने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। जब घर के लोग उसको बुलाने गए कि हमारे मरीज के ब्लड आ रहा है और बीपी बढ़ रही, उलझन होने लगी है, स्टाफ नर्स ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ा, क्यों मक्कर बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी हो गई है, एकदम नॉर्मल है। उसके ठीक 3 घंटे बाद 5 बजे महिला मर जा रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अस्पताल में जंगल राज कायम है, स्टाफ नर्स दोषी है, साथ ही साथ जो इमरजेंसी पे डॉक्टर यहाँ था वो भी अपने कमरे में सो रहा था, वो भी दोषी है। क्या कुछ मांग है? हमारी मांग है, जो दुदुमुहा बच्चा 8 घंटे पहले जन्म लिया है, उसको ये भी नहीं पता है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, हम कहाँ आए हैं, उसके माँ का साया छिन जाना, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ ही स्टाफ नर्स और जो इमरजेंसी पर डॉक्टर था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लापरवाही की, साथ ही पूरे अस्पताल के साथ साथ पूरे जनपद की सीएससीओं पर जो जंगल राज चल रहा है, बाहर की दवाएं
जांच के नाम पे कमीशन खोरी, ये भी एडिशनल सीएमओ को हमने बता दिया है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई भाई तो हम शांति के पुजारी जरूर हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम यहाँ बैठे हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बाद ही यहाँ से हम उठेंगे। एडिशनल सीएमओ से हमने कहा कि जो पीड़ित परिवार है यहाँ पर बैठा हुआ है, 12:30 बज गया, संबंधित अधिकारी क्यों नहीं आया, इस बच्चे के परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा, दंडात्मक कार्रवाई क्या मांगते हैं? दंडात्मक कार्रवाई तो पहले निलंबन होना चाहिए, निलंबन के बाद FIR भी होनी चाहिए। अगर FIR लापरवाही की लिख जाएगी तो दोबारी ऐसे पुनरावृत्त पूरे जनपद में कहीं नहीं होगी, ये मेरी मांग है। राम बरन वर्मा, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन टिकट, बाराबंकी। बता रहे कि यहाँ पर डिलीवरी आई थी और उसका हीमोग्लोबिन 7 से बहुत कम, मतलब एनीमिया थी, खून की बहुत कमी थी, वो डिलीवर्ड हुई है, लीड करी है, लीड करने के बाद जो है उसकी डेथ हो गई। लापरवाही है तो जो भी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अभी समय जो है जैसे एनम को हम हटा रहे हैं, इसको एनम के लिए हटा रहे हैं, डॉक्टर की भी कार्रवाई, डॉक्टर की ये है कि शासन को हम लिखेंगे जिनमें से सीधे जो है कार्रवाई नहीं करते। फसलों की मांग के लिए हम लोग जो है तीनों के द्वारा जो है शासन लिखा जाता है कि वहाँ से जो उनके होगा उनको करा जाएगा। एनएम जो है वो डॉक्टर पे आरोप लगा रही है और डॉक्टर जो है वो एनएम पे किसकी लापरवाही से देखने को मिल रही है, किसकी लापरवाही है? इसमें दोनों कार्रवाई करेंगे। जान 3 घंटा पहले से नहीं हमका मर मरीज का बीपी जांच कर दियो, कहीं नहीं मक्कारी करे हैं, जब जवाब देवे की 30,000 रुपया जब मर गयो तब जवाब देवे लखनऊ लेके भगियो हाथ पे हाथ भई जाए, मर मरीज का कहीं मक्कारी करे दर के पेट दाग दीन, हम गेर मर मरीज के दे ठंडी बात कहीं तुम झूठ बोला तो हमका झूठ बोला दीन, हमार मरीज के ऑक्सीजन लगाई जब हमारे मरीज का मार के ऑक्सीजन लगाई हम मरीज एकदम हाथ दे हाथ जान 3 घंटा पहले से नहीं हमका मर मरीज का बीपी जांच कर दियो, कहीं नहीं मक्कारी करे हैं, जब जवाब देवे की 30,000 रुपया जब मर गयो तब जवाब देवे लखनऊ लेके भगियो हाथ पे हाथ भई जाए, मर मरीज का कहीं मक्कारी करे दर के पेट दाग दीन, हम गेर मर मरीज के दे ठंडी बात कहीं तुम झूठ बोला तो हमका झूठ बोला दीन, हमारे मरीज के ऑक्सीजन लगाई जब हमारे मरीज का मार के ऑक्सीजन लगाई हम मरीज एकदम हाथ दे हाथ भईगा अरे अल्लाह।